हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी टेक में। एंड इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कंपेयर करके सैमसंग 32 इंच HD रेडी स्मार्ट टीवी एंड जो मी टीवी 4A प्रो है वो भी 32 इंच HD रेडी है। दोनों ही आपको जो है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे देखने को मिलेंगे मार्केट में। दोनों ही टीवीज जो है आपको अच्छी डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे, पर जो मी टीवी है उसमें आपको बेजल्स थोड़े से जो है यहाँ पे थोड़े नहीं कहूँगा बहुत पतले देखने को मिलते हैं। एंड जो सैमसंग टीवी है उसमें आपको बेजल्स जो है यहाँ पे मोटे देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही टीवीज को मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ इस वीडियो में, एंड जो प्राइस है वो भी बताऊँगा आपको इसी वीडियो में। यहाँ पे दोनों में ही आपको 32 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी। स्टैंड आपको जो है मी टीवी 4A प्रो में ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। जो डिजाइन है उसकी वो भी काफी अच्छी है। एंड मी टीवी में आपको जो है ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू सैमसंग का जो टीवी है। तो यहाँ पे दोनों ही टीवीज में आपको क्या क्या जो है चीज़ें मिलती हैं, क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या और भी स्पेसिफिकेशंस है, सभी मैं मेन चीज़ों को यहाँ पे इस वीडियो में कंपेयर करके आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करें मॉडल नेम की दोनों ही टीवीज की, तो जो सैमसंग का मॉडल है वो UA32T4340A के XXL है। तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर ये बहुत ही बड़ा है। एंड जो मी टीवी का मॉडल नंबर है वो L32M5-AL का है। तो ये जो है मॉडल नेम्स हैं इनके, इन्हें आप जो है याद में रख के इन टीवीज को परचेस करते समय आप जो है ये मॉडल नेम देख सकते हैं। सेम टीवी आपको दिख जाएगा सेम मॉडल नेम से। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 32 इंच दोनों ही है, आपको सेम डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा दोनों ही टीवीज में। 1366x768 की रेजोल्यूशन है, जो पिक्सल रेजोल्यूशन होती है स्क्रीन की दोनों ही टीवीज की आपको सिमिलर देखने को मिलती है। पिक्चर क्वालिटी दोनों ही टीवीज में आपको जो है यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। HDMI एंड USB पोर्ट्स की बात करें तो आपको जो सैमसंग में है सिर्फ दो HDMI पोर्ट्स मिलेंगे एंड एक USB पोर्ट मिलता है। वहीं मी टीवी में आप देखेंगे तीन HDMI पोर्ट्स मिलेंगे एंड दो USB पोर्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आपको जो है मी टीवी को चूज़ करना चाहिए, या फिर आप कम पोर्ट्स पे ही काम जो है अपना चला सकते हैं। तो आप जो है सैमसंग टीवी के साथ ज़रूर जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है दोनों ही टीवीज में आपको वाईफाई मिलता है, बिल्ट इन वाईफाई है। आप जो है बहुत ही अच्छी इंटरनेट स्पीड दोनों में ही रिसीव कर सकते हैं। सभी कंटेंट्स आप जो है यहाँ पे 4K वगैरह में देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपके पास जो है यहाँ पे स्पीड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। 2020 लॉन्च ईयर है सैमसंग टीवी का, 2019 लॉन्च ईयर है मी टीवी का। तो मी टीवी जो है एक साल पुराना टीवी है, पर ये नहीं कि पुराना है तो अच्छा नहीं है, इसमें आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड वाईफाई 2020 जो है यहाँ पे ये सैमसंग है, तो सैमसंग का ये लेटेस्ट टीवी है। आप यहाँ पे सपोर्टेड ऐप्स देख सकते हैं कि कौन से जो है कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं। मैं आपको बता दूँ दोनों ही टीवीज में आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों ही टीवीज में देखने को मिलेंगे। मे बी प्राइम वीडियो जो है आपको यहाँ सैमसंग में ना देखने को मिलेगा, उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। एंड जो सपोर्टेड ऐप्स आप देख सकते हैं सोनी लिव, एरोस नाउ, जियो सिनेमा, गाना, यूट्यूब, फेसबुक, स्पॉटिफाई, इंडिया टुडे, आज तक, यहाँ पे आपको बिग फ्लिक्स वगैरह सभी सैमसंग में देखने को मिलते हैं। वहीं आप राइट साइड में देखें तो कंटेंट प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे मी टीवी में, क्योंकि आपको इसमें पैच वॉल का सपोर्ट मिलता है। ये एक एंड्रॉयड टीवी है, तो आपको जो है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, Z5, जियो सिनेमा, यूट्यूब, वोट, ऑल्ट बालाजी, एरोस नाउ, आप पढ़ते जाइए, बहुत सारे यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइडर्स देखने को मिलेंगे इसी मी टीवी में। जहाँ आप सैमसंग को कंपेयर करें तो आपको सैमसंग में कम देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको टाइजन मिलेगा सैमसंग में, जो कि टाइजन खुद बनाता है सैमसंग। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइजन, ये सैमसंग कंपनी का ही है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मी टीवी में मिलता है वो एंड्रॉयड है, तो आपको एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर मिलेगा मी टीवी में,
वहाँ से आप जो है एप्लीकेशंस वगैरह और भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग आप जो है दोनों ही टीवीज़ में कर सकते हैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीकर्स में आपको इंटरेस्टिंग स्पीकर्स मी टीवी में मिलेंगे। यहाँ पे सैमसंग में भी आपको जो है दो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे जिनकी आउटपुट 20 वाट्स की है। डॉल्बी डिजिटल प्लस का भी सपोर्ट है तो आपको क्लियर ऑडियो एंड यहाँ पे जो बेस वगैरह होती है काफ़ी अच्छी सुनाई देगी। पर यहाँ पे जो मी टीवी है इसमें आपको दो स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड यहाँ पे 20 वाट्स का आउटपुट है, तो आउटपुट दोनों ही टीवीज का सेम है। DTS HD है, जो DTS HD का सपोर्ट है यहाँ पे, तो आपको सैमसंग में डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे जो मी टीवी है उसमें DTS HD का सपोर्ट मिल जाएगा। आपको जो है मी टीवी में साउंड मोड्स भी मिलेंगे, इक्वलाइजर भी मिलेगा जिसकी मदद से आप जो है और भी एनहांस कर सकते हैं जो अपने मूवीज या फिर स्पोर्ट्स देखते हैं, तो आप जो है ऑडियो क्वालिटी को और भी एनहांस कर पाएंगे। इक्वलाइजर वगैरह या फिर साउंड मोड है यहाँ पे सैमसंग टीवी में नहीं देखने को मिलता है। और भी फीचर्स की बात करें तो सैमसंग में आपको PC मोड देखने को मिलता है जिसमें आप अपने जो है यहाँ पे जो ये स्क्रीन है टीवी का उसे आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो है इसे PC मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पे आपको जो है एक मिल जाता है जिसमें आप अपने सॉन्ग्स को काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले कर पाएंगे सैमसंग टीवी में। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिलता है, वेब ब्राउजर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। वहीं मी टीवी की बात करें तो 3.5 mm का जैक मिलेगा, हेडफोन जैक है एंड ब्लूटूथ 4.2 है। मी टीवी में ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलता है। अल्ट्रा ब्राइट HD डिस्प्ले मिलेगा। गूगल असिस्टेंट है, आपको रिमोट में ही गूगल असिस्टेंट का जो है डेडिकेटेड बटन भी मिलेगा, तो आप जो है कमांड्स वगैरह भी दे सकते हैं इजीली। आप गूगल से कंट्रोल कर सकते हैं अपने टीवी को। आप चाहे तो अगर आपके पास स्मार्ट होम है तो आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस मैं बताऊँ सैमसंग की तो 14,990 रुपीज़ है एंड वहीं मी टीवी के 13,999 रुपीज़ है। देखे तो मी टीवी जो है काफ़ी आपको कम दाम में भी मिलेगा जो सैमसंग से कंपेयर करें तो, पर जो प्राइस है ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, पर फीचर्स आपको मी टीवी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आगे बढ़े तो आपको पावर कॉर्ड, AAA बैटरी, टेबल स्टैंड सैमसंग टीवी के साथ मिलेगा, रिमोट, टेबल स्टैंड एंड स्क्रूज आपको मी टीवी के साथ देखने को मिलता है। तो ये आपको बॉक्स में जब आप टीवीज़ को ख़रीदते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एंड उसके बाद मैं आप सभी को बताऊं तो कुछ और एडिशनल फीचर्स, जैसे आपको थिन बेजल्स मिलेंगे, ब्लूटूथ रिमोट आपको मी टीवी में देखने को मिलेगा, पैच वॉल का सपोर्ट है तो आप बहुत सारे कॉन्टेंट्स यहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे, तो वो भी आपको मी टीवी में जो है ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें जो है, थोड़ी सी चीज़ें जो मी टीवी में है वो सैमसंग में नहीं है, और जो सैमसंग में है वो मी टीवी में नहीं है, पर ज़्यादा फीचर्स आपको जो है मी टीवी में देखने को मिलेंगे। तो आप जो है अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। आपको सैमसंग पसंद आता है तो सैमसंग परचेस कीजिए, अगर आपको मी टीवी प्रो अच्छा लगता है तो आप जो है मी टीवी 4A प्रो परचेस कीजिए। दोनों की प्राइस सेम है, दोनों 32 इंच की स्क्रीन के साथ आते हैं एंड ब्लूटूथ आपको जो है मी टीवी 4A में मिलता है, पर सैमसंग के टीवी में आपको ब्लूटूथ नहीं देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जो है अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब पर क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।